एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। लोकसभा चुनाव 2024 अपने उफान पर धीरे धीरे पहुंच रहा है। पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है, जिसमें मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर भी मतदान होना है। और आज मध्य प्रदेश से हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, महेश परमार जी, जो उज्जैन की लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। नमस्कार सर। राजनीतिक चर्चा मैं शुरू करूं उससे पहले मैं एक सवाल आपसे पूछ लेना चाहता हूं कि आज आपने शिप्रा जो नदी है उसका एक मामला उठाया, आपने वहां उस नाले में खुद स्नान भी किया। पहले एक बार छोटा सा वो मामला बताइएगा क्या कुछ है। 2023 से लगातार अभी तक 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, 10 साल से केंद्र में सरकार है और दीप शिप्रा माँ हम सबके लिए मोक्षदायिनी, हमारी माँ समान है। जिन शिप्रा माँ के दर्शन करने मात्र से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं उनमें एक डुबकी लगाने से माँ में, उन शिप्रा माँ में आज सैकड़ों गंदे नाले मिल रहे हैं, माँ दूषित हो रही है। दूसरी तरफ माँ शिप्रा के नाम पर वर्षों तक यहाँ से जो लोग चुनाव जीतते आ रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, लेकिन माँ शिप्रा माँ की दुर्दशा, जो गंदे नाले मिल रहे हैं, कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। यही आज मुद्दा हमने उठाया है और माँ शिप्रा माँ में डुबकी लगाकर ये मांग की है कि गंदे नाले तत्काल बंद हो मिलना, ये हमारी मांग है। मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ से हैं, सांसद 2019 में फिरोजा जी जीते, लेकिन 5 सालों में एक भी काम चिपरा मार के शुद्धिकरण के लिए, ये गंदे नाले जो मिल रहे हैं उसको रोकथाम के लिए अभी तक एक भी कार्य नहीं किया। तो ऐसा दावा है कि उज्जैन में बहुत विकास करवाया गया, कॉरिडोर की भी बात हुई काफी, जो है ऐसा कहना दावा बीजेपी का है कि बहुत विकास उज्जैन में करवाया गया, उसके बाद भी अगर कोई गंदा नाला माँ शिप्रा में जाकर मिलता है तो ये वाकई में एक गंभीर विषय है और सरकार को आप इसके लिए लगातार जो है जनता को जागरूक करें, सरकार को अवगत भी करा रहे हैं, लेकिन आपकी मांग जो है अभी तक नहीं मानी गई, आपका ऐसा आरोप है बीजेपी सरकार पर 20 साल से जो सरकार बीजेपी की है। सांसद विधायक महापौर सब इनके हैं, ये तो ये जिम्मेदारी बनती है इनकी, अगर 20 साल में माँ शिप्रा माँ को शुद्ध नहीं कर पाए तो आमजन का क्या काम करेंगे, ना किसान होगी ना युवा होगी ना महंगाई की, इस विषय में तो बात होती नहीं है। महाकाल लोक का भ्रष्टाचार, लोकायुक्त में इनकी प्राथमिक दर्ज है, FIR प्रकरण दर्ज है, उन अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। तो टाटा सीवरेज जैसा मामला जो 2002 साल में पूरा होना था, 6-6 साल से कार्य चल रहा है, रोज दुर्घटनाएं हो रही है, इसमें कई युवाओं की दुर्घटना में जान चली गई, हमारे बुजुर्ग माता पिता दुर्घटना में घायल हुए गंभीर, इनकी जान चली गई। तो पूरा उज्जैन खुदा हुआ है, कोई भी जिम्मेदार अधिकारी ना तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व सांसद थे 2019 से चुने गए सरोजा जी, एक बार भी 5 साल में प्रयास नहीं करा, कभी शिप्रा माँ गए नहीं, देखा नहीं कि क्या स्थिति है। और 2028 महाकुंभ होना, लाखों करोड़ों लोग पूरे विश्व के लोग आएंगे, तो सनातन और माँ शिप्रा के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, शिप्रा माँ की दुर्दशा जो आज 20-25 साल पहले शिप्रा माँ प्रवाहमान थी, हम सब उनके जल लोग स्नान करते थे, पीने योग्य जल था माँ का, लेकिन धीरे 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 इन लोगों की अनदेखी करने के कारण इंदौर शहर के लगभग 50-60 लाख लोगों का मलमूत्र हम लोगों को भोगना पड़ रहा है, उसमें गंदे पानी में स्नान करना, खान नदी लगभग 400 करोड़ रुपए लगाने के बाद स्थिति ऐसा हुआ है, वही की वही स्थिति, कोई सुधार नहीं हुआ है। चलिए उम्मीद करेंगे आपकी जो मांग है और शिप्रा मांग के साफ करने की जो बात है वो सरकार तक पहुंचे और आपकी मांग पूरी हो। अच्छा, दूसरे चरण का मतदान होना है और उसमें 6 सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, तो कैसे क्या रुझान है फिलहाल मध्य प्रदेश का, क्योंकि 28 सीटें जीती थी बीजेपी ने पिछले चुनाव में। इस बार जनता जनार्दन के आशीर्वाद से कांग्रेस लगभग 15 सीटें जीतेगी, झूठी गारंटी देकर इन लोगों ने सरकार बनाई अभी 2023 के विधानसभा चुनाव में। किसान भाइयों से वादा किया था 2700 प्रति क्विंटल गेहूं खरीदेंगे, 3000 रुपए लाडली बहनों को देंगे, 450 में गैस की टंकी देंगे, युवाओं को रोजगार की बात की थी, रोजगार की कोई दूर दूर तक अते पते नहीं है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ कि जनता से इनका वास्ता नहीं है, लोग इनको गाँव में घुसने नहीं दे रहे किसान भाई, ये स्थिति है। कहा 400 पार का झूठा नारा दे रहे हैं, काम तो कुछ किया नहीं, जमीन पे हकीकत कुछ है नहीं, तो बस सिर्फ भगवान के नाम पर कब तक वोट मांगेगी जनता, जागरूक है। इस बार मध्य प्रदेश में लगभग 15 सीटें कांग्रेस पार्टी की, नहीं सिर्फ देश में 400 पार का नारा नहीं, मध्य प्रदेश में भी 29 पार का नारा दिया है इस बार बीजेपी ने। 4 जून को परिणाम आएगा, उस समय बताएंगे क्या कौन कितना पार होता है। इस बार कांग्रेस पार्टी या भाजपा का चुनाव नहीं, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव, जिस तरह से झूठी गारंटी देकर, जिस तरह से आपने देखा प्रधानमंत्री जी के किस तरह के बयान आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं, अगर आप लोगों ने इतना काम किया होता तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात हुई थी प्रत्येक साल, महंगाई कम करने की बात हुई थी, किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात हुई थी, एक भी 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, कहाँ अच्छे दिन,
इन इन जो जो वादे जो गारंटी दी थी इनसे वोट तो मांग नहीं रहे, सिर्फ एक और सिर्फ उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, क्या उलूल जुलूल बोल रहे हैं, जो मन में आया अनाथ तना बोल रहे हैं, क्या है ये काम बताएं अपने 10 साल के केंद्र सरकार 20 साल मध्य सरकार काम के नाम पर वोट मांगे, लेकिन एक भी काम बताने के लिए कुछ है नहीं, झूठ बोल रहे हैं, झूठी गारंटी दे रहे और वोट मांग रहे हैं। अच्छा, एक भगदड़ का भी माहौल है कांग्रेस पार्टी में, कुछ जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो सनातन का नाम लेकर, आचार्य प्रमोद कृष्णम हो या गौरव वल्लभ हो जो अभी बीजेपी में शामिल हुए, कि सनातन को लेकर जो है अपमान करती है सनातन का कांग्रेस पार्टी, इसलिए इस पार्टी में रहना मुश्किल है। मध्य प्रदेश से भी कई नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ा। निश्चित रूप से वो ही लोग स्वार्थी लोग जिनके रेती या जिनके अवैध काम धंधे जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी से हमेशा कांग्रेस से दिया ही दिया, जिनको पावर में रहना है वही लोग भाग के जा रहे हैं, जो बनाने वाले हमारे कार्यकर्ता तो यही है, कोई नहीं गया छोड़ के। कांग्रेस समुद्र है, 2000 बाल्टी पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं और इस पर अच्छा परिणाम आएगा। अच्छा, गारंटी की आपने बात की, मोदी जी की गारंटी की, तो इस बार 25 गारंटी आपने भी दी है, काकसी सा आखिरी सवाल, 25 गारंटी आपने भी दी घोषणा पत्र में अपने। हमारे सबसे महत्वपूर्ण है हमारे पढ़े लिखे नौजवान, हमारी पढ़ी लिखी बेटियां शिक्षित, उनको 8,500 रुपये प्रति माह, बहनों को 8,000 रुपये माह, और सबसे बड़ी समर्थन मूल्य की गारंटी, कानून बनाएंगे एमएसपी का, किसानों की फसल का, गेहूं हो चने हो सोयाबीन हो, इससे बड़ा ज्यादा बड़ा कुछ कानून हो नहीं सकता। युवा न्याय, महिला न्याय, इन अलग अलग सब जो हमारे 5 न्याय इनके माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की, और इस बार निश्चित रूप से देश और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का अच्छा माहौल है, कांग्रेस के लोग जीतेंगे और सरकार बनेगी। परमार जी, बस एक आखिरी सवाल, परमार जी का आखिरी सवाल, कल प्रधानमंत्री मोदी ने जो है हमलावर होते हुए कहा कि जो माताओं बहनों का सोना है उसको कांग्रेस पार्टी बांट देगी मुसलमानों में, ये बयान आपने भी सुना होगा, इस पर क्या कुछ कहना है आपका? माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश प्रधानमंत्री जी, इस तरह की छोटी बात करना उनको स्वाभाविक था, देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, कौन किसके छुड़ाएगा, क्या कानून क्या करेगा। प्रधानमंत्री जी अपने विकास में वोट मांगिए, प्रधानमंत्री जी को इतने छोटे और स्तर नीचे स्तर पर बात नहीं करना चाहिए। सोना तो इन लोगों ने महंगा किया है, और कौन कौन सोना छीन लेगा हमारी बहन बेटियों से। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी सनातन को मानता हूँ, आज हनुमान जी हनुमान जयंती का पवित्र दिन है, हम सब हमारे साथी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, जो गुंडे बदमाश अपराधी प्रवृत्ति के लोग सोना छीन रहे, क्या करेगा कानून, हम उनको ठीक कर देंगे, कौन कानून छीन रहे। ये तो प्रधानमंत्री जी के पास कुछ बचा नहीं है, प्रधानमंत्री जी जरूर बोल के प्रधानमंत्री जी बारे में क्या टिका टिप्पणी करूँ, इसका जवाब तो मतदान के रूप में जनता देगी। प्रधानमंत्री जी को 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, इससे बात कीजिए। प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दी किसान भाई की आमदनी बढ़ेगी, प्रधानमंत्री जी ने कहा था महंगाई कम होगी, तो प्रधानमंत्री जी ये मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री जी कौन छिन जाएगा बताइए मुझे, कितने मंगलसूत्र कांग्रेस शासनकाल में, इनके शासनकाल में उज्जैन में रोज लूट हो रही है। प्रधानमंत्री जी की सरकार आएगी तब होगा ये काम, पहले हुआ क्या? मनमोहन घोषणा पत्र है उसे, मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बनाया बताया है 1936 वाले से मिलता जुलता, जो झूठ बोलकर कुछ भी बता सकते हैं। 2014 से 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार थी, पूरे विश्व में हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति सबसे मजबूत थी, आज रुपये कितना नीचे गिरा है, महंगाई की बात करते नहीं है। प्रधानमंत्री जी बड़े नेता है, उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूं, लेकिन भगवान महाकाल उनको सद्बुद्धि दे, ये मैं प्रार्थना करता हूं प्रधानमंत्री जी के लिए। ठीक है, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद महेश परमार जी, आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये महेश परमार जी हमारे साथ थे, उज्जैन से लोकसभा के उम्मीदवार कांग्रेस के, का ये जो बातचीत है कैसी कुछ लगी आपको कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।